हेलो फ्रेंड्स, मैं मोतो आयरस स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मैं फिर से एक और वीडियो साथ आ चुका हूं फ्रेंड। और इधर बता दो कि जो आप लोग आज पबजी मोबाइल के अंदर 2.2 वर्जन का अपडेट के बाद जो इधर यहां पे गियर फ्रंट मोड आने वाला है, उसके अंदर में गाइस यहां पे बता दूं कि टोटल मिला के 8 स्किल्स आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर गाइस उसी 8 स्किल के बारे में आप लोग को एक एक करके पूरा शॉर्ट में गाइस यहां पे बताऊंगा कि किसका क्या क्या यूज है। और बाकी लास्ट में गाइस आप लोग बताइएगा कि 8 में से सबसे बेस्ट आप लोग को कौन सा स्किल्स लगा। तो चलो गाइस यहां पे बिना किसी देरी के देख सकते हो, सीधा स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले गाइस यहां पे देख सकते हो, आप लोगों को दिख जाएगा प्ले जोन एनालिसिस करके गाइस यहां पे पहला आप लोग का स्किल। और इसके अंदर बेसिकली गाइस यहां पे क्या होगा कि आप लोग गाइस जैसे ही इसको यहां पे यूज कीजिएगा तो मैच के अंदर गाइस यहां पे जो नेक्स्ट आप लोग का 3 जोन रहता है उसके बारे में गाइस आप लोग को ये बताएगा। तो देख सकते हो यहां पे, मैं चलो आप लोग को यूज करके दिखा देता हूं। तो जैसे ही यहां पे मैं यूज करूंगा तो सीधा गाइस यहां पे देख सकते हो जो नेक्स्ट आप लोग का जोन यहां पे बनने वाला है वो गाइस यहां पे आप लोग को पहले ही यहां पे बता देगा, ताकि आप लोग उस हिसाब से अपना गाइस यहां पे जोन के बीचों बीच में जा सकते हो। और इस टाइप से एक मैच के अंदर आप लोग 3 बार यहां पे इसका यूज कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट गाइस आप लोग देख सकते हो सप्लाई स्कैन करके आप लोग का एक और स्किल है। और इसका बेसिकली गाइस यहां पे यूज यही है कि आप लोग गाइस यहां पे जैसे ही इसको यूज कीजिएगा तो 135 मीटर का रेंज के अंदर जितना भी गाइस यहां पे आप लोग का लूट रहेगा वो गाइस यहां पे 3 सेकंड के लिए आप लोग को यहां पे बताएगा। जैसे कि यहां पे चलो आप लोग को सामने यहां पे लाइव यूज करके दिखाता हूं। तो देख सकते हो यहां पे मैंने जैसे ही यूज किया तो ऑटोमेटिक यहां पे देख सकते हो आसपास में 135 मीटर के रेंज में जितना भी आप लोग का बेस्ट मतलब यहां पे लूट रहेगा वो चीज गाइस आप लोग को इस स्किल के अंदर बताएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका यूज कौन-कौन यहां पे करने वाले हैं। बाकी अब यहां पे चलो थर्ड वाला जो आप लोग का स्किल है उसके बारे में यहां पे बताता हूं। तो इसके बारे में बेसिकली गाइस यहां पे देख सकते हो इसका नाम है यहां पे ब्लैक मार्केट करके। और इसका यूज बस गाइस यही है कि आप लोग गाइस यहां पे जो शॉप वाला टोकन मिलता है उससे गाइस यहां पे क्या होता है कि अगर आप लोग गाइस यहां पे इसका यूज कीजिएगा तो आप लोग गाइस यहां पे कहीं पे भी जो शॉप रहता है उसको गाइस यहां पे मंगवा सकते हो। और सबसे अच्छा चीज गाइस मेरे को ये लगा कि आप लोग अगर मान लीजिए कोई बिल्डिंग के अंदर भी रहिएगा तब भी गाइस इसको आप लोग मंगवा सकते हो। और देख सकते हो गाइस ये 90 सेकंड के लिए आप लोग पास रहेगा और 90 सेकंड में गाइस आप लोग को जो भी आइटम यहां से चाहिए होगा तो आप लोग गाइस यहां पे मंगवा सकते हो। और इसमें गाइस एक चीज और एडवांटेज है कि स्टार्टिंग में गाइस आप लोग को एज ए डिफॉल्ट 15 गाइस यहां पे टोकन रहेगा, ताकि अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में आप लोगों को गन नहीं मिलता है तो डायरेक्ट गाइस आप लोग यहां से M416 या फिर गाइस कोई भी अपने हिसाब से गन को गाइस यहां पे मंगवा सकते हैं। तो ये फीचर मेरे को तो और भी ज्यादा अच्छा लगा। बाकी गाइस अब यहां पे चलो नेक्स्ट वाला गाइस यहां पे जो स्किल है उसके बारे में आप लोगों को बताता हूं। तो नेक्स्ट स्किल गाइस यहां पे देख सकते हो ट्रैश करके इसका नाम है। और बेसिकली गाइस इसका यूज यही होगा कि मान लीजिए गाइस कोई भी एनिमी को आप लोग गाइस यहां पे एक बार डैमेज दीजिएगा, यानी कि एक बार शॉट आप लोग यहां पे मारिएगा तो गाइस यहां पे क्या होगा कि जो एनिमी गाइस यहां पे ये 5 सेकंड के लिए कहां-कहां जा रहा है वो आप लोगों को बताएगा। जैसे गाइस यहां पे देख सकते हो मैंने जैसे ही यहां पे एनिमी को हिट किया तो गाइस यहां पे देख सकते हो उसके ऊपर में एक मार्क आ रहा होगा और मार्क जो रहेगा गाइस वो आप लोगों को 5 सेकंड के लिए यहां पे दिखाएगा कि एनिमी गाइस यहां पे कहां-कहां पे जा रहा है। जैसे गाइस यहां पे देख सकते हो मैंने जैसे ही एक बार हिट किया तो 5 सेकंड के लिए गाइस यहां पे देख सकते हो एनिमी किस मतलब कौन-कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है वो आप लोगों को यहां पे दिखाएगा। तो गाइस ये 5 सेकंड काफी ज्यादा कम होता है, लेकिन गाइस मैं यही बोलूंगा कि अगर ये 10 सेकंड के लिए रहता तो लिटरली गाइस काफी ज्यादा एडवांटेज आप लोग को ये देता। लेकिन गाइस मैं जैसा कि बोला कि यार ये ऐसा मतलब परफेक्ट स्किल बनाया गया ताकि गाइस यहां पे काफी जो अदर एनिमी लोग रहेंगे उन लोगों को यहां पे ज्यादा मतलब गाइस नुकसान ना हो जाए और आपको ज्यादा यहां पे फायदा ना हो जाए। तो ये हो गया गाइस आप लोग का 4th नंबर का स्किल। उसके अलावा 5वां में गाइस यहां पे देख सकते हो लकी बैकपैक करके आप लोग का एक और स्किल है। और इसका बेसिकली गाइस यहां पे यूज 2 टाइप से आप लोग का होगा। सबसे पहला गाइस यहां पे यूज यही है कि आप लोग जैसे ही गाइस यहां पे इसको यूज कीजिएगा तो स्टार्टिंग में गाइस यहां पे जो आप लोग का बैकपैक का जो स्पेस रहता है वो 50 गाइस आप लोग को यहां पे स्टार्टिंग में ही एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि जो आप लोग स्टार्टिंग में जो डिफॉल्ट 150 रहता है वो आप लोग का 200 हो जाएगा। और मान लीजिए लेवल 1 आप लोग का रहा तो गाइस यहां पे जो स्पेस आप लोग का 350 रहता है वो यहां पे 400 हो जाएगा। उसी टाइप से अगर मान लीजिए लेवल 2 का बैग आपके पास रहेगा तो आपका गाइस यहां पे जो स्पेस रहता है यहां पे नॉर्मली आप लोग का यहां पे 400 वो 450 रहेगा। और लेवल 3 अगर मान लीजिए आप लोग का यहां पे जो नॉर्मल 450 रहता है स्पेस वो यहां पे 500 हो जाएगा। तो पहला तो आप लोग का यूज ये हो गया। और दूसरा यूज इसमें यही होता गाइस कि देख सकते हो एक लकी स्लॉट करके आप लोग को ऑप्शन रहेगा और यहां पे गाइस अगर कोई भी आइटम आप लोग यहां पे डालिएगा तो ऑटोमेटिकली गाइस इसके बदले देख सकते हो 4 रैंडम यहां पे रिवार्ड आ जाएगा।
सेम टाइप का, और उससे क्या यहाँ पे कोई भी एक आइटम आप लोग को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने M4 को यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं चेंज किया तो देख सकते हो यहाँ पे चार में से कोई भी एक रेंडम आ गया, जैसे कि M762 आ गया। तो इस टाइप से क्या पांच आइटम को आप लोग एक मैच के अंदर यहाँ पे चेंज कर सकते हो, और इसमें आप लोग एमओ या फिर स्कोप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो। बाकी इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो हीलिंग स्मोक करके गाइस एक और आप लोग यहाँ पे स्किल है, और इसका यूज बेसिकली गाइस यहाँ पे क्या होगा कि पर सेकंड गाइस आप लोगों जो यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे आप लोग का हेल्थ रहता है वो गाइस यहाँ पे तीन तीन से इंक्रीज करते जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैं जैसे ही इसका यूज करूंगा तो गाइस यहाँ पे बता दूं कि लगभग ये 34 सेकंड के आसपास रहेगा, और इसमें गाइस यहाँ पर सेकंड देख सकते हो तीन आप लोग का जो हेल्थ रहता है वो भी बढ़ेगा, और साथ में जो आपका बूस्टर रहता है वो भी गाइस यहाँ पे तीन आप लोग का पर सेकंड के हिसाब से यहाँ पे बढ़ते जाएगा। और गाइस बता दूं कि इसका आप लोग यूज पर 3 मिनट, यानी कि 3 मिनट में गाइस आप लोग एक एक बार इसको बार बार यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो कमेंट करके बताइएगा कि ये स्किल आप लोग को कैसा लगा। बाकी गाइस इसका मेन यूज तो यही बोलूंगा कि हीलिंग के लिए आप लोग इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो, हर एक 3 मिनट में मान के चल सकते हो गाइस कि आप लोग एक बार यहाँ पे फुल हेल्थ कर सकते हो। बाकी उसका लगा यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो व्हीकल एयर ड्रॉप करके आप लोग का एक और स्किल है, और इसमें बेसिकली क्या होगा इसके आप लोग हर एक 3 मिनट में एक बार गए यहाँ पे व्हीकल यहाँ पे मंगा सकते हो। तो ये चीज गाइज आप लोग का यूज तभी होगा जब मान लीजिएगा इसके आप जोन के बाहर हो, और मान लीजिएगा इसके आपके पास कोई भी व्हीकल नहीं है तो आप लोग डायरेक्ट गाइज इसका यहाँ पे यूज कर सकते हो। और इसमें क्या होगा इसके आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जैसे गए यहाँ पे आप लोग इसको यूज कीजिएगा तो डायरेक्ट गाइज कोई भी एक रेंडम व्हीकल आप लोग के पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ये गाइज काफी अच्छा फीचर लगा। और गाइज बता दूं कि ऐसा नहीं कि एक मैच के अंदर आप लोग 8 स्किल को यूज कर सकते हो, बता दूं गाइज कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा जब मैच स्टार्ट होगा उसी टाइम पे गाइज 8 में से कोई भी एक रेंडम गाइज यहाँ पे स्टार्टिंग में मतलब रेंडम नहीं स्टार्टिंग गाइज आप लोगों को कोई भी एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, और गाइज वही पूरा मैच में आप लोगों का चलेगा। तो इसलिए गाइज मैं यही सजेशन दूंगा कि स्टार्टिंग में गाइज आप लोग थोड़ा ध्यान से और अपने हिसाब से गाइज जो आपको लगता है कि बेस्ट आप लोग उसका यहाँ पे यूज ले पाएगा उसी को आप लोग यूज कीजिएगा। और बाकी अगर आप लोग स्क्वाड में खेल रहे हो तो यही सजेशन दूंगा कि चारों गाइस यहाँ पे अलग अलग टाइप का यहाँ पे स्किल का यूज कीजिएगा, ताकि यहाँ पे चार अलग अलग टाइप का यहाँ पे पावर को आप लोग एक मैच के अंदर एक साथ यहाँ पे यूज कर पाइएगा। बाकी लास्ट एंड फाइनल देख सकते हो गाइस यहाँ पे ग्लाइडिंग डोल करके ये आप लोग का फीचर है या फिर स्किल बोल सकते हो, और बेसिकली गाइस इसको आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो कि सस्ता स्पाइडरमैन है, क्योंकि गाइस इससे आप लोग यहाँ पे छोटा सा गाइस यहाँ पे जंप लगा सकते हो। देख सकते हो गाइस यहाँ पे जैसे आप लोग थोड़ा सा हवा में गाइस यहाँ पे आप लोग मतलब जैसे ही जंप कीजिएगा तो डायरेक्ट गाइस आप लोग यहाँ पे जो मतलब गाइस यहाँ पे देख सकते हो ग्लाइडिंग डोल करके एक ऑप्शन आ जाएगा, और थोड़ा सा गाइस आप लोग यहाँ पे उड़ पाइएगा। और इसका मैक्सिमम गाइस यहाँ पे यूज आप लोग जब ऊपर वाला थोड़ा सा जो एरिया रहता है वहां पे अगर आप लोग हो तो गाइस ज्यादा सही से इसका आप लोग यूज कर पाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैं थोड़ा सा ऊपर वाला एरिया में हूं, तो यहां से गाइस मान लीजिए कि मैं हाउस के ऊपर आना चाहता हूं तो देख सकते हो गाइस मैं आराम से यहाँ पे ऊपर आ गया। तो ये गाइस एक बोल सकते हो कि सस्ता टाइप का आप लोग का स्पाइडरमैन वाला जो गाइस यहाँ पे आप लोग का जो मोड था उसी का स्किल है। तो ये 8 का 8 स्किल गाइस मैंने पूरा शॉर्ट में आप लोग को समझा दिया। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 8 में से गाइस सबसे बेस्ट स्किल आप लोग को कौन सा लगा। तो यस गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो को इतना देता हूं। बाकी अगर बता दूं कि इससे रिलेटेड आप लोग का आरपी मिशन भी देखने को मिल जाएगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी मैं मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।